भैया हमको चलेंगे लेके चलो होटल में। नियर भाई आज स्टे करेंगे तो हम लोग कल मॉर्निंग दिल्ली में निकल जाएंगे, दिल्ली के लिए निकल जाएंगे मतलब। तो चलते हैं यहाँ से हम लोग सोलन की ओर, सोलन की ओर वापसी, होटल ढूंढते हैं। बाय बाय। तो ये होटल है किचन किंग, जहाँ पे पता करने गए हैं भैया एक बार। ये ठीक है रूम इसका, तो यहीं स्टे करेंगे। ये देखिए चट्टान के बीच एकदम होटल है यहाँ पर। तो ये हमने रूम कर लिया है, तो भैया निकल रहे हैं। ठीक है भैया, बंटी भैया भी रूम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये देखिए मेन चीज जो है वो है सामने। रूम तो अच्छा है, नो डाउट अबाउट दैट, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ये देखिए आप, ये देखिए खतरनाक है कि नहीं भैया? हाँ भैया, ऑसम अल्टीमेट। ये देखिए, ये है होटल का रूम अंदर से, और ये है खिलाड़ी। सामने देखिए करंट की वायर भी है सामने सामने। अरे भाई ये कौन सा मंदिर है भाई? मंदिर भी है ये, कोई वाला क्या नाम ने लिया था। अब थोड़ा चेंज वेंज करते हैं, रेस्ट वगैरह करते हैं, फिर हम लोग ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे शाम हो चुकी है, अंडे बहुत क्रेजी लेवल की ठंड नहीं है। और आज जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज इंडिया का नामीबिया से मैच है। आपको पता है मेरे को मैच से कितना प्यार है। बाहर हो चुकी है इंडिया, लेकिन आप फिर भी एक ट्रू क्रिकेट फैन जिसे कहते हैं ना, उसकी शिद्दत जानते हैं आप लोग। कोई बात नहीं, टीम हार के बाहर होगी, हार चीज चलती है गेम में, इट्स परफेक्टली फाइन। जीवन में हमने भी काफी चीजें की, उसमें हमको भी सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। हमारा देश है, हमारे देश की टीम है, कोई दिक्कत नहीं, हार जीत होती रहती है। सर जी जी, चलिए क्रिकेट कैसे करेंगे? फोन कर रहे हैं अभी सर, देख रहे हैं। जिस चीज का कोई क्या नाम है, जिसका मुझे था इंतजार, बंटी भैया वो घड़ी नहीं आई क्योंकि टीवी नहीं चल रही। चलवाते हैं फोन करके, बंटी भैया जाएंगे अभी बेसबॉल का बैट लेके आर्टिका के अंदर रिसेप्शन में। भाई क्या दिक्कत है, रिचार्ज क्यों नहीं हो रहा? रखा हुआ अभी निकालेंगे अपने आप, चल इसको होटल छोड़ के जाना पड़ेगा। बंटी भैया हमारे गब्बर है, तो देखते हैं। अभी 5 बज रहे हैं, 7 बजे मैच है, कुछ इंतजाम करते हैं। खतरनाक किस्म के पहाड़, पहाड़ पीछे, और यहाँ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, जो पिए उसे मजा आ जाए। भैया आए यहाँ पे हमारे मैच का जुगाड़ करने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका, माय मेरा एक कस्टमर है ओनर, उसने मेरे को गिफ्ट करा था ये जैकेट, 5 साल हो गए। अरे वाह, द नॉर्थ फेस, ये फुल ब्रांड है, फुल खुश है भैया एकदम। ये अच्छा लगता है ना ब्रांडेड चीज पहनने। नहीं भैया बिल्कुल भैया, तुम बढ़िया है। तो कहाँ जा रहे हैं फिर नेताजी? हम लोग बाहर खाने के इंतजाम करने जा रहे हैं, देखते क्या मिलता है। सही बात है, लोकल ईटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे शाम हो चुकी है, सन्नाटा पूरा एकदम फैला हुआ है, जरूरत से ज्यादा सन्नाटा है। जब सन्नाटा जरूरत से ज्यादा हो जाए तो डरावना हो जाता है, तो इसलिए कोशिश चल रही है कुछ ना कुछ बोलते रहे और कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहे। तो चले हैं 3 खिलाड़ी। एक हमें एक यहाँ पे स्टॉल मिली है लोकल फूड, चलती है ट्राई करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। देखिए गर्मा गर्म चाउमीन एंड मोमोज एट लोकल ईटिंग। ये हम लोग इस टाइम कहाँ पर है भाई, ये पता नहीं कहाँ पर है, जो भी है ये एरिया है, और यहाँ लगाते हैं मोमोज। कंडा घाट कौन सा घाट? कंडा घाट कंडाघाट में शिमला से। आपकी दुकान का नाम नहीं है कुछ? किलोमीटर पहले हमारा दुकान का नाम नहीं है। नाम नहीं है, रखी दो अपनी दुकान, नाम रख दो। पति जी का नाम है ममता। हाँ अंकल जी का नाम क्या है? मेरा नाम बादशाह। बादशाह ये आएगा असली मजा। जो लोग देख रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम दे दो इनके लिए, नामकरण कर दो, इंटरेस्टिंग सा नाम सुझा दो इनको, फिर मैं इनको आके बता दूंगा कि ये नाम रख लो आप। यहाँ लगाते हैं ममता जी एंड बादशाह जी। टेस्टेड बढ़िया, सुपर डुपर। आपको मैं अगली बार आऊंगा तो नाम बता दूंगा आपकी दुकान के लिए कुछ। मेरे दोस्तों से बोलूंगा सुझाव दे हमें, बादशाही मोमोज रख दो। वो नाम सही है ना, बादशाही मोमोज। पर चाउमीन भी तो है, तिब्बती भी बोलता हूँ। तो तिब्बती में एक चीज बोलूँ आपको मैं, तू ची छे थैंक यू तश दिले तो। हाँ
डिपो 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 क्या डिपो होता है हाउ आर यू डिपो मैं क्या वो राजन डिपो बट आई नो टिबेटन लैंग्वेज हाँ नेपाली इंग्लिश पंजाबी हिंदी रशियन तो अब जाना पड़ेगा पुतिन के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग बंगाली भी आती है बोलो जरा बंगाली आप बोलो मेरे को तो आती है केमन अच्छे भैया केमन अच्छे क्यों बोलना भैया केमन अच्छे मुकाबला कश्मकश टक्कर का हो रहा है ये भी टक्कर के है भाई लेकिन बहुत अच्छा लगा मिलकर बहुत बढ़िया एकदम खतरनाक इंटरेस्टिंग है आप लोग पर आपने नाम नहीं रखा दुकान का कंडा घाट में कोई मतलब नियर बाई हो तो कंडा घाट चौक अच्छा जी के मोमोज ट्राई करना भाई कीपो चांग आपने बोला आपको टिबेटन लैंग्वेज आती है आपसे ज्यादा देखो मेरे को आती है कीपो टॉल मींस वेलकम क्या फॉर्मूला बताया नेताजी उन्होंने जैकेट में गर्म रहेगा जैकेट के अंदर डाल दिया जैकेट में डाल मैं मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं ना उनसे मिलकर इंस्टेंटली एक कनेक्शन सा फील होता है तो ये कपल उनमें से एक है मतलब यहाँ पे लोकल मुझे बताना सोलन से जो है मतलब इस एरिया में कौन जानता है इनको बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे और इनकी शॉप का कोई नाम नहीं है तो आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग से नाम भी ढूंढना ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी हमारा शिमला और सोलन के साथ आना हो इनसे मिलूंगा मैं जरूर गंडा घाट में है ये कपल जो लगा रहे तो मजा आया सामान ले लिया हमने खाना वाना मोमोज वगैरह चलते हैं ऐसे होटल अब और खिलाड़ियों की होटल वापसी हो यहाँ पर हमारा डिनर सज चुका है तो ये स्टार्ट हुआ इंडिया का मैच इंडिया की यहाँ पर बॉलिंग है ये देखो भाई साहब एक्साइटेड है थोड़ा भाई साहब 10 बजे का वक्त है रात का होटल की लाइट जा चुकी है यहाँ पर अंधेरा हो चुका है भाई पूरा एकदम ये देखिए बिल्कुल अंधेरा है मेरे फोन की फ्लैश जल रहा है यहाँ पर अभी मैन इट्स प्रिटी स्केरी होने था ये फोन पे कह रहे हैं भूत आ गया अरे मत बोलो पहाड़ का भूत चिपक जाएगा अभी तो छोड़ेगा नहीं पीछा फिर तो रोते रहोगे कि भूत जाएगा कैसे नेताजी ऐसे भूत को मत बुलाओ ये वीडियो कॉल करने का अलग ही स्वागत है इनका भी ये लगे हुए घर में अपने फैमिली से बात करने के लिए तो क्या करे लाइट आ गई तो इंडिया की बैटिंग चल रही है 134 रन बनाने इंडिया को ऐसे मैं चाहता था इंडिया की पहले बैटिंग आए ताकि यू नो एक फायरवर्क्स देखें हम दिवाली के बाद 250 रन मारे इंडिया एकदम रोहित शर्मा 100 बना दे लेकिन वो हो नहीं पाए इंडिया की सेकंड इनिंग है चेज कर रहे हैं मेरे ख्याल से इजीली कर भी देंगे एडिटिंग स्टार्ट करूंगा अपनी उसके बाद सो जाऊंगा फिर हम लोग सुबह उठ के निकलेंगे तो मिलते हैं कल सुबह व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग तो सुबह हो चुकी है यहाँ पे फटाफट से रेडी होते हैं फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए चिड़ियों की आवाज कितनी प्यारी लगती है कितना ब्यूटीफुल है ना भैया पूरा एकदम सनलाइट देखिए यहाँ पर सीधा रूम में आ रही है एकदम नितिन जी गुड मॉर्निंग सर उठ गए तैयार सब जी भैया निकल लेंगे हम भैया भी कुछ कुछ कर रहे हैं उधर बंटी हुई है तो ऑलमोस्ट जाने के लिए रेडी हो चुके हैं पर यहाँ पर जाने का यार मन नहीं करता यार अभी एकदम बढ़िया एकदम यहाँ देखो प्रॉपर सनलाइट ठंड में एकदम ये धूप जो चाहिए आपको बेहतरीन खुशबूदार एकदम वातावरण नेचर के बीच आपको अगर मौका मिले रहने का कितना मजा है तो मेरा तो पक्का है कि मतलब जब मैं रिटायर हो जाऊंगा कुछ सालों में 10-20 सालों में तो इधर ही की साइड पहाड़ की साइड अपने उत्तराखंड में फिर कहीं भी प्लान रहेगा हमारा कि मतलब यहीं पर रिटायरमेंट ली जाए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग हमारे यूट्यूबर सब्सक्राइबर को गुड मॉर्निंग सुबह सुबह की यूट्यूबर हमारा सब्सक्राइबर भी हमारे है ना और क्या क्यों बिल्कुल अब देखो सुबह सुबह यहाँ का सनराइज देखो क्या शानदार सनराइज हो रहा है हम निकल दिए हैं हाँ यहाँ से हम निकल दिए हैं निकल लेके कहाँ गए निकल गए निकल दिए हैं निकल दिए हैं कहाँ निकल दिए हैं घर की ओर बढ़ रहे हैं घर की ओर ओके तो चलते हैं फाइनल प्रोसीडिंग्स करते हैं लोकेशन चेक करो भाई हमने चेकआउट वगैरह सारा कर लिया है ये होटल नीचे पहाड़ है देखो चट्टान एकदम बेहतरीन व्यू चलते हैं लेके प्रभु का नाम जय श्री राम दिल्ली का सफर शुरू करते हैं सोलन से टिम्बल ट्रेन है ये जो पीछे जा रही थी ये लोकल यहाँ पे चलती है हिमाचल में देखिए ये जो मिठाई ये भैया ने दी थी ये वही मिठाई है लीजिए भैया जी बंटी जी
ऐसे इसमें से ना बालूशाही निकाल के मुझे दे दो आप। कौन सी है बालूशाही? बालूशाही, अरे बालूशाही तो पंडित जी आपने तो नहीं निकाल ली? नेता जी, अरे पंडित जी दूसरे वाले से। अरे कभी कुछ नाम मेरा चेंज होते रहे क्या? असली नाम तो लोगों को पता ही नहीं है। कोई नेता जी बोलता है, कोई पंडित जी बोल रहा है, लेकिन असली नाम है गजेंद्र। गजेंद्र जी लीजिए फिर। नेता जी जी मिठाई खाइए एक। आप लीजिए सर पहले। तो हम एक क्यों दो लेंगे? आप दोनों ही मतलब मैं ले लूंगा तो। नेता जी एंजॉयिंग हिज स्लीप। तो अभी हम लोग रास्ते में रुके हैं। ये पंजाब है, यहाँ पे देखिए फुल खेत वगैरह, बढ़िया एकदम, सब बढ़िया। और नेताजी आ रहे हैं। नींद पूरी हो गई? बस हो गया था नहीं। आइए। तो ये हम लोग पहुँच चुके हैं मूरथल। यहाँ पे चल रहा है हमारा लंच, मक्खन पराठे, चाय एंड पराठे। और इसी के साथ हम लोग दिल्ली अपने घर पहुंच चुके हैं। ऑलमोस्ट 2 मिनट का रास्ता है तो घर पहुंचते हैं। काफी टायर्ड हूं मैं, क्योंकि हम लोग सोचे 600 किलोमीटर का ट्रेवल किया है हमने, 600 से ज्यादा ही हो गया हमने भैया से मिलने के लिए। एंड मेरे भैया का फोन भी आया था मेरे को, तो वो भी निकल गए अपना वैन को यू नो अपग्रेड करने के लिए, तो इनोवेट करने के लिए। एंड मेरे ख्याल से 4-5 दिन लगेंगे उनको, तो देखते हैं अगर दोबारा प्लान मिला, प्लान बना हमारा, टाइम लगा तो जरूर मैं जाना चाहूंगा एक बार। आपको एक प्रॉपर एक स्टोरी बन जाएगी ये कि कैसे हम लोग उनसे पहले मिले, फिर कैसे दोबारा उनसे मिले एंड हमने थोड़ी बहुत जो मदद की हमने एंड उसके बाद कैसे उनकी लाइफ में थोड़ा बहुत और चेंज आया। कोशिश करनी चाहिए कि आप भी खुश रहो और कोशिश करो अगल बगल भी आप लोग खुशियां बांटें, क्योंकि नफरत फैलाने वाले तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं लेकिन खुशियां फैलाने वाले बहुत कम हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं इन वीडियोस के थ्रू आपको भी इंस्पायर करें कुछ ऐसे ही अच्छा करने के लिए। तो पहुंचते हैं हम लोग घर, उसके बाद मम्मी से मिलवाते हैं। भाई खड़ा है ये राम राम। मैक्स कुमार, मैक्स चलो आ गए हैं। मम्मी नमस्कार। तो पहुंच चुके हैं, मम्मी खुश होगी देख के, अब रेस्ट करता हूँ। स्वागतम कृष्णा, तो मेरा काना है ना। स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम बाबू, सुस्वागतम बाबू। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड बाय, टेक केयर, जय हिंद।